हेलो मेरे दोस्तों, और आ गए हूँ एक नए वीडियो के साथ, आप लोगों के साथ एक नए सफ़र में। तो आज हम लोग जा रहे हैं अयोध्या हिल, जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है, जो शहर है बागमुंडी और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पुरुलिया। तो चलिए अयोध्या हिल जाते हैं, और उसके अगल बगल बहुत सारे घूमने के टूरिस्ट प्लेस हैं, उन सभी को हम लोग देखते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को दिखाते हैं। और अयोध्या हिल जाने के लिए आप दो रास्ते का उपयोग कर सकते हैं, एक चांडिल के तरफ से और एक जो है आप पटमदा के और कटनी होते हुए जा सकते हैं। तो हम लोगों ने चांडिल का रास्ता चुना, और इस रास्ते में बहुत सारे रेलवे क्रॉसिंग मिलेंगे आपको। बट आप अगर कटनी के तरफ से जाते हैं पटमदा के तरफ से, तो आपको कोई भी फाटक नहीं मिलेगा, आप बेहिचक, और रोड भी वहाँ का बहुत अच्छा है, तो आराम से आप रोड कवर कर सकते हैं बहुत कम समय पे। इस रास्ते में जाते जाते सबसे पहला हम लोगों को डेस्टिनेशन जो है पाकी पहाड़, पाकी पहाड़ को देखेंगे। उसके बाद हम लोगों का सेकंड डेस्टिनेशन है आज का बंजारा कैंप, जहां आज स्टे करेंगे, और उसके अगल बगल के जो नेचुरल ब्यूटी है और कुछ डैम है और कुछ गांव है, जो एक चोरीदा ग्राम है जहां पर मुखौटे बनाए जाते हैं जो छह नित्य के, वो सब को आप लोगों को दिखाते हैं आज के वीडियो में। और दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा है अपने स्क्रीन पे वो पहाड़, वही पहाड़ हम लोगों का पहला डेस्टिनेशन है, जिसका नाम है पाकी पहाड़। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं उसके समीप जाके। और दोस्तों, इस पहाड़ पर जो जनवरी फरवरी के समय बाहर से आते हैं रॉक क्लाइंबिंग वाले, जो रॉक क्लाइंबिंग को भी ट्रेनिंग दिया जाता है और सिखाया जाता है कि चट्टानों पर कैसे चढ़ा जाए, और इसके नीचे अंदर में चट्टान सब भी, उसमें भी आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनसान था, इसलिए मैंने उसको ट्राई नहीं किया। हेलो दोस्तों, हम लोग अभी आ गए हैं पुरुलिया का बागमुंडे क्षेत्र में, जो पाकी पहाड़ है जो बहुत फेमस है वहाँ पर। ये देखिए, इस पहाड़ पर बहुत सारे चिड़िया बने हुए हैं, चिड़िया का चित्र बना हुआ है, शायद मेरे गोपरों में दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये मुझको कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे कलाकार आके इसमें चिड़िया बनाए हुए हैं। तो अभी कुछ पुराना हो जाने के कारण ये पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और देखते रहिए। ये देखिए नज़ारा, एकदम सुनसान रास्ता, और उस पहाड़ के ऊपर दो तीन बकरियां चर रही है, जो गोपरों से मेरा दिखाई नहीं देगा। और इसका साइड व्यू देखिए,
इसी रास्ते पे चलते चलते हम लोगों को मिलेगा रास्ते के राइट साइड में जो वन विभाग का गेस्ट हाउस है, जो काफ़ी खूबसूरत है, आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा और इसका सीनिक व्यू भी बहुत खूबसूरत है। इसमें एक ट्री हाउस भी है जो बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है। इस रास्ते पे थोड़ी दूर चलते ही करीबन 3 किलोमीटर तो हम लोगों का आ जाता सेकंड डेस्टिनेशन, जहां हम लोगों को आज स्टे करना है, बंजारा कैंप, जो एक जंगल के बीच में है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए दोस्तों बंजारा कैंप का नज़ारा, जस्ट कैंप के पीछे में है पहाड़। और ये देखिए चलते चलते इनका एंट्री गेट, इस होटल का नाम है बंजारा कैंप, जो कैंप नाम है इसके लिए यहाँ पर कैंपिंग ज्यादा होता है। यहाँ पर है उनका किचन और वो है उनका ऑफिस। और ये गार्डन बना हुआ है बैठने का। ये सीट बैठने का कितना खूबसूरत। और देखिए वहां से कैंप चालू है। बीच में छोटा सा पार्क है और दोनों तरफ कैंप। यहाँ 1 से लेके 22 कैंप है और 2 कॉटेज है और 2 AC रूम है। बच्चे हैं तो यहाँ झूला झूल सकते हैं। छोटे बड़े सब झूले हैं। यह टेंट हाउस, इसका पर पर्सन कॉस्ट है 1100। और ये झूला, आज यही टेंट खत्म होता है, उसके जस्ट पीछे में है आपका कॉटेज। 2 कॉटेज है और 2 AC रूम है। वो है AC रूम और ये है कॉटेज वुडन स्ट्रक्चर में। आप यहाँ आएंगे तो आपको पूरा नेचर का फील कीजिएगा, जो सब कुछ नेचुरल है। इस कॉटेज का स्ट्रक्चर भी देखिए, पूरा वुडन है और चारों तरफ ग्रीनरी है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जहीं सुबह उठिएगा तो जस्ट आपके सामने एक पहाड़ मिलेगा, जिससे उगता हुआ सूरज देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। कभी आइए इस जगह पे, अपने वीकेंड छुट्टी को बिताइए अपने फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे बहुत सारे फैमिली भी आए हुए हैं, इसलिए सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आके यहाँ रह सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग अभी आ गए हैं पुरुलिया के एक है जो बंजारा कैंप, वहाँ पर ये नॉन AC रूम है, देखिए कितना सुंदर वुडन के स्ट्रक्चर में बना हुआ है। और ये वाला AC रूम है ना, AC रूम का भाड़ा है 1450 रुपया और जो नॉन AC है उस रूम में मैं रह रहा हूँ, तो अपना रूम का रिव्यू देता हूँ। चलते कुछ सा स्टेप है,
ये देखिए रूम है, छोटा सा रूम है, डबल बेड है, एक पंखा है, एक कूलर रखा हुआ है और एक छोटा सा मिरर है, लाइट वगैरह है और पूरा रूम जो है पूरा गोल शेप में है। और एक कबोर्ड है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, एक दिया हुआ टेबल भी दिया हुआ है। और उसके बाद बाथरूम दिखाते हैं आपको, बाथरूम खूबसूरत है, छोटा सा है लेकिन वाकई खूबसूरत है। इसमें वेस्टर्न टॉयलेट है, एक बेसिन है, नल लगा हुआ है, शावर है और गीज़र भी, गीज़र का भी फैसिलिटी दिया हुआ है। और ये रूम से ही निकलते समय देखिए सर क्या नज़ारा है पहाड़ों का, एकदम खूबसूरत। मॉर्निंग में सोचिए कितना खूबसूरत दिखता होगा ये पहाड़। यहाँ पर बहुत सारा कैंप बना हुआ है जिसमें आके आप स्टे कर सकते हैं, कैंप भी है यहाँ 22 ठो और जिसका रेंट है 1100। और ये जो हम लोग का रूम था इसका दाम था 1350 रुपये, लेकिन हम लोग बार्गेनिंग करके इसका रेट को 1100 में कर लिए। दोस्तों ये बंजारा कैंप में देखिए खाने के लिए दिया हुआ है, चिकन है, दाल है ना, फिर बैगन फ्राई, सलाद, नींबू, चावल और बंदा गोभी का सब्जी। देख के तो लगता है बहुत टेस्टी है, खा के देखा जाए कैसा है। और अपने रूम से बाहर निकलते ही आपको ये पहाड़ का व्यू दिखेगा, इतना खूबसूरत है भाई साहब क्या बोले, दिल खुश हो जाता है इस सब देखने पे। और दोस्तों अपने लंच को फिनिश करने के बाद हम लोग चल पड़े एक नए जो गांव है चोरीदा गांव, उसका एक्सप्लोर करने। और बने रहिए हम लोग के साथ और देखते रहिए ये चोरीदा ग्राम। देखिए यहाँ का कलाकार कितना सुंदर सुंदर बनाए हैं मुकुट, और ये कलाकार बैठे हुए हैं बनाने वाले, एक से एक डिजाइन बनाए हुए हैं। ये देखिए ये पेंट करके सूखता हुआ, धूप में दिया हुआ सूखने के लिए, और वहाँ कारीगर बना रहे हैं। জন্মের থেকে ৬ বছর ছিল বয়স, পড়াশোনা করলাম না। और दोस्तों ये छौ नाच जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरह के होते हैं। एक जो है पहला पुरुलिया का, वहाँ का छौ नृत्य, और दूसरा होता है झारखंड का जो सरायकेला खरसवां क्षेत्र का नृत्य, और तीसरा जो है उड़ीसा का जो मयूरभंज का होता है। इसमें मयूरभंज का जो छह नृत्य हो उसमें उलन मुखौटा नहीं पहनता है, लेकिन पुरुलिया और झारखंड का जो है नृत्य उसमें उलन मुखौटा पहन के ही डांस करते हैं। इस नृत्य का प्रस्तुति आमतौर पर पुरुष लोग ही करते हैं, और जो लगभग मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग उनको मस्ट जरूरी है, क्योंकि इस नृत्य में काफ़ी इसका यूज किया जाता है। यहाँ के गांव वालों का मुख्य स्रोत यही है यहाँ के छौ नाच के लिए मुखौटा बनाना। इस गांव के छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग सब इसी काम में लगे रहते हैं और सब इस काम में एकदम माहिर है। ये देखिए यह है म्यूजियम यहाँ का, चप्पल खुलते हो तो ना, ये देखिए रावण का, हाँ रावण जल सिंह उस टाइम दिए थे इंदिरा गांधी, समझे ना, राज्य पुरस्कार दिए
आइए ना ये जो है मसूर दाल क्या है ये मसूर दाल है मसूर दाल और आई ये लक्ष्मी धान धान से बना है ना कुमड़ा का जो है उसको दांत बनाए दांत बनाए ये जो है पाट पाट मट्टी है लेकिन इसे पेंट नहीं किए समझे बात को ये जो राष्ट्रभाषा जो है हिंदी हम बोल रहे हैं ये जो कलरिंग थोड़ा थोड़ा हल्का किए कलरिंग और पहले जमाने का जैसे शिव जी है इनका देखिए पहन के देखिए आपको बता दो देखिए शिव जी का चले देखिए हम लोग को छह नृत्य का प्रस्तुति कर रहे हैं ये देखिए नटराज ये डमरू बजाते हुए अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो जरूर यहाँ आइए श्वेता गांव और यहाँ पर संग्रहालय है इसमें आइए जरूर ये इतने अच्छे अंकल मिले हैं हाँ कि हम लोग को इसके बारे बताया इसीलिए हमारा नाम गदाधर दत्त गदाधर दत्त जी है लेकिन प्यार से वो टाइगर जोर करके कोई चीज हाथ में नहीं होगा ना बल्ला जुलूम है डीआईजी का ऑर्डर हाँ देखिए डायलॉग में इनका बहुत तगड़ा है फौजी है हाँ लेकिन हम लोग गुनाह नहीं करते हैं हाँ जो भी है गांव मोटी जय जय माँ दुर्गा का बना हुआ है छोटा ये गांव लगभग 150 साल पुराना से पहचाना जाता है और यहाँ 115 फैमिलियां हैं और जिसमें जितने आदमी हैं लगभग इसी काम पे सब लगे रहते हैं और आप लोग जब भी आइए यहाँ तो इस गांव को ज़रूर विज़िट कीजिए ये चोरीदा गांव बहुत ही पॉपुलर है अपने मुखौटों के लिए तो चलिए और चलते हैं आगे हम लोग का जो अगला डेस्टिनेशन है खेराबेरा डैम के और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है तो चलिए देखते हैं उसकी सुंदरता दोस्तों ये देखो खैराबेरा डैम जो है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट बारमुंडी में पड़ता है और इसका नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है एकदम क्रिस्टल क्लीन पानी है और उसके जस्ट पीछे में पहाड़ और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखिए और इसका बैक साइड तो और खूबसूरत है अभी सन रेज के कारण शायद आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता हूँ बट उसी के जस्ट पार होते देखिए पहाड़ देखिए कितना ऊँचा और कितना खूबसूरत देख रहे हैं इस डैम का नेचुरल ब्यूटी देखिए कितना खूबसूरत और वहाँ पर इको टूरिज्म रिसोर्ट भी है आप अगर आए तो वहाँ भी अपने वेबसाइट से बुक कर सकते हैं उन लोगों का जो बहुत खूबसूरत लगेगा आपको यहाँ रहना और वहाँ मेरा बाइक और ये मैं चलिए देखिए पानी कैसा हल्का हल्का बह रहा है हवा के था बहुत खूबसूरत है भाई
अगर अयोध्या हिल आते हैं तो वहाँ से करीबन करीबन आपको 32-35 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ ज़रूर आइए, बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ का वेदर, नेचर और पानी इतना सुंदर है और बादल भी गरज रहा है। मेरे को तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है भाई साहब, क्या सुंदर नज़ारा है। दोस्तों अगर आप अयोध्या हिल आते हैं तो यहाँ खेरा बेरा डैम है, ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए पानी है ना, पहाड़, और इसी के साथ साथ इधर देखिए नेचर, देखिए जहाँ घूमिएगा ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगा। और उस पहाड़ का तो कहना क्या है, पहाड़ इतना खूबसूरत पहाड़ है कि बोलने का नहीं। आप आइएगा तो आपको यहाँ इतना अच्छा लगेगा कि यहाँ से ना जाए। प्लीज़ अयोध्या आइएगा तो खेरा बेरा डैम को कभी मत मिस कीजिएगा।